Global advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service quality and commitment. And that is the reason our clients do keep on coming again and again to us for our service. The mission of the company is to rise on the graph of betterment for every campaign handled by us. Global advertiser for innovative outdoor solutions. नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। यूपी के जनपद कानपुर देहात में आज उस समय सनसनी फैल गई जब जमीनी विवाद के चलते दूसरे पति और पुत्र ने महिला की हत्या कर शव को कमरे में 5 फुट नीचे दफना दिया। घटना का खुलासा महिला की पुत्री के आने के बाद हुआ। पुत्री की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस आलाधिकारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को गड्ढे से बाहर निकालने के साथ ही महिला के पति पुत्र और बहू के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महिला की पुत्री ने सोतेले पिता, भाई और भाभी सहित 4 लोगों पर जमीनी विवाद के चलते हत्या करने का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस की गिरफ्त में आया हत्या का एक आरोपी चकमा देकर मौके से फरार हो गया। पतरौल के लड़का मान सिंह ने और उनकी बहू सीमा ने और उनकी सामने ने तीसरा इन सब ने प्लानिंग बना के मेरी माँ को मार दिया। इसकी वजह ये सिर्फ प्लॉट ही था एक। मान सिंह की अम्मा मर गई। कैसे माँ ना उनके पापा घर लड़ाई में मार और जब पुलिस वुलिस आई तब हम पहुंची। हमने कहा हमें क्या मालूम लड़ाई का इनके कारण क्या था, किस वजह लड़ाई हुई, कब लड़ाई हुई, कब मारा इन्होंने, तो हमें यूँ पता हो तो हमें कुछ यूँ पता ना है। कोई प्लाट लाट का विवाद चल रहा था क्या? प्लाट ये नाम हतो एक जो ये मरी है। ये सिकंदरा थाना क्षेत्र में मालवी नगर मोहल्ले में एक घर में जो है सरोज नाम की महिला का जो है हत्या करके उसी घर में मिट्टी में दबा दिया गया था गड्ढा खोद के। ये मृतका की एक लड़की थी, जब उसकी कई दिनों से बातचीत नहीं हुई तो उसने यह थाने सूचना दी। सूचना पुलिस ने इसकी छानबीन करी तो वहीं घर में ये दबी हुई लाश पाई गई है। लाश निकाल कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मामले की छानबीन की जा रही, जो भी फैक्ट आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं? ये जो मृतका है इसके पति है प्रतावल, उनका लड़का जो है पुलिस हिरासत में है, बाकी लोग खोजबीन की जा रही है। कानपुर देहात से रजा मोहम्मद की रिपोर्ट। बीती रात हुए दर्दनाक हादसे में एक सिपाही व एक होमगार्ड सहित 2 अन्य व्यक्तियों की दर्दनाक मौत हो गई थी, जिसके बाद पूरे पुलिस विभाग में मातम सा छा गया था। दोनों मृतकों को पुलिस लाइन में श्रद्धांजलि देने एडीजी और आईजी जोन लखनऊ से हरदोई पहुंचे। श्रद्धांजलि के दौरान उन्होंने मृतकों को कंधा भी दिया, साथ में उनके परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। अनियंत्रित ट्रक के द्वारा एक हादसे में हमारे जवान की, 2 होमगार्ड्स की और सिटीजन्स की, 2 नागरिकों की डेथ हुई। 2 नागरिकों की डेथ हुई, 4 लोग की हुई और बहुत दुखद हादसा हुआ जिसमें सभी लोगों के लिए, चाहे वो पुलिस परिवार के सदस्य हों, चाहे वो होमगार्ड परिवार के हों या नागरिक हों, तो उसी सिलसिले में मैं पुलिस परिवार के और बाकी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आया। यूपी के हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। पियानी चुंगे के पास स्थित तालाब से निकली मोहुलिया ड्रेन की लंबाई 7 किलोमीटर 600 मीटर है। ड्रेन की सिविल लाइन आशा नगर प्रगति नगर रेलवे लाइन से होकर पोखरी ड्रेन में मिलती है। अभिलेखों के अनुसार ड्रेन की चौड़ाई 35 फुट दर्ज है। लगभग 1.5 से 2 दशक के बीच शहर के अंदर से गुजरी ड्रेन की 2 किलोमीटर एरिया पर आसपास के लोगों ने कब्जा कर लिया तथा उस पर मकान भी बना लिए, जिसके चलते ड्रेन की चौड़ाई मात्र 5 फुट रह गई है। शासन द्वारा अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की कवायद शुरू की गई, जिसके अंतर्गत 108 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। जिलाधिकारी पुलकित खरे के निर्देश पर सिंचाई विभाग शारदा नहर खंड के अधिशासी अभियंता
सूर्य नारायण सिंह ने शहर कोतवाली में 108 कब्जेदारों के खिलाफ प्राथमिक दर्ज करा दी है। बताते चले कि विभाग की ओर से 5 नवंबर 2016 और 24 मई 2017 को कब्जेदारों को नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन कब्जेदार नहीं हटे। मामला ठंडे बस्ते में चला गया। मोहलिया ड्रेन है सिंचाई विभाग की, इसमें कुछ लोग उसकी दोनों पटरियों पे विधिवत तरीके से अवैध ढंग से काबिज थे। इनको पहले भी 2-3 बार नोटिस दी जा चुकी थी, नोटिस की समय सीमा समाप्त हो गई थी और इन लोगों के द्वारा अपना अवैध कब्जा उस पर से नहीं हटवाया गया। ये लोग चबूतरा बना करके या अपनी बाउंड्री बना के, दीवार बना के या कुछ कच्चा पक्का निर्माण करके काबिज है, तो कुल नोटिस की समय सीमा समाप्त होने के बाद भी न हटाए जाने पे शासन की मंशा अनुरूप इन पे बेदखली के लिए और सक्षम विधिक धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करने थाने में तहरीर दे दी गई है, जल्द ही इन पे मुकदमे दर्ज हो जाएंगे। कितने लोगों में लगा? कुल 107 लोग चिन्हित थे, ये ऑलरेडी पहले से चिन्हित थे, इनको पिछले 2-3 महीने से नोटिस दी जा रही थी, फाइनली इन लोगों ने नहीं हटाया, इसलिए इन पे मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। यूपी के हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। गारंटेड अधिकारी आयोग एवं मीडिया निर्वाचन क्षेत्र का गठन कराने समेत किसान व्यापारी आम जनता की मांगों को लेकर ऑल इंडिया प्रेस जर्नलिस्ट एसोसिएशन की लखनऊ से आई एक्शन रैली का जिले में भव्य स्वागत किया गया। शहर में रैली का भ्रमण करने के उपरांत शहीद उद्यान में समापन हुआ। ऑल इंडिया प्रेस जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्र चेयरमैन रविन्द्र मिश्रा के नेतृत्व में आई रैली में प्रदेश चीफ को ऑर्डिनेटर अनुराग साथी, प्रदेश को ऑर्डिनेटर आर के वर्मा, प्रदेश महासचिव गिरीश शुक्ला, प्रदेश संगठन मंत्री जीएस दुबे, समीर खान के साथ ही हरदोई जनपद के जिलाध्यक्ष विजय कुमार सैनी रैली के साथ रहे। लखनऊ चुंगी पर राष्ट्रीय चेयरमैन रविन्द्र मिश्रा एवं अन्य पदाधिकारी का स्वागत किया गया। रैली में पत्रकारों के हितों से संबंधित मुद्दों के अलावा जनता के मुद्दों को भी उठाया गया। यह रैली लखनऊ चुंगी से लेकर रेलवेगंज, चिंदीपुर चौराहा, केनाल रोड, डीएम चौराहा, नुमाइश चौराहा, बड़ा चौराहा, सिनेमा चौराहा, जिला अस्पताल, गांधी टिकोनिया पार्क से घूमकर जेल रोड होते हुए शहीद उद्यान पहुंची। यहां पर नगरपालिका अध्यक्ष सुखसागर मिश्रा मधर से स्वागत किया। उद्यान में राष्ट्रीय चेयरमैन ने शहीद स्तंभ एवं शहीदों की प्रतिमाओं पर पुष्प अर्पण माले अर्पण कर नमन किया। इसके बाद राष्ट्रीय चेयरमैन रविन्द्र मिश्रा ने बताया कि यह 17 दिवसीय रैली उत्तर प्रदेश के भ्रमण करते हुए 25 सूत्री मांगों को लेकर 25 फरवरी को दिल्ली पहुंचेगी, जहां प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा जाएगा। ऑल इंडिया प्रेस जर्नलिस्ट एसोसिएशन अपने संघर्ष पथ पर आगे बढ़ता रहा है। हमारा जो उद्देश्य है वो केवल यही है कि हमारे पत्रकार साथी बहुत ही परेशानियों से गुजरकर, रिस्क उठाकर, मेहनत करके जैसे तैसे अपने उद्देश्यों को, अपने कर्मों को पूरा करते हैं, शासन प्रशासन की योजनाओं को समाज तक पहुंचाते हैं, किंतु उनकी चिंता, उनकी व्यवस्था की जिम्मेदारी पूरी तरह प्रशासन और शासन नहीं लेता, इसलिए चौथे स्तंभ के रूप में मान्यता दी जाए और न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका की तरह मीडिया भी मीडिया निर्वाचन क्षेत्र के नाम से एक चौथे स्तंभ का मुख्य रूप और अनिवार्य रूप हो, ताकि जैसे माना जाता है कि अगर लोग कह देते हैं कि हमारा मीडिया चौथा स्तंभ है, किंतु ये चौथा में 3 कहाँ हैं? 3 कार्यपालिका हैं, विधायिका हैं और न्यायपालिका हैं। तो क्या सोचिए कि उन 3 की तरह चौथे में कोई खासियत है, यानी कि सरकारी सुविधाएं हैं, वेतन है, सुविधा सहयोग है, डीजल है, पेट्रोल है, गाड़ी है, बंगला है, कुछ भी तो चौथे स्तंभ के पास 3 स्तंभों की तरह नहीं है, फिर क्यों हमको चिढ़ा दिया जाता है हम चौथे स्तंभ है? अब हम कहे गए हैं तो हमें हर हालत में अनिवार्य रूप से, मान्यता प्राप्त रूप से चौथे स्तंभ बनना है। इसलिए हम आप सब से अपना अपजा की तरह चलाया जा रहा है, अपजा की तरफ से चलाया जा रहा है अभियान में साथ। यूपी के हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। सबलगढ़ नगर के फतेह चंद्र कॉलोनी वार्ड क्रमांक 15 के लिए सिविल लाइन का टेंडर 8 लाख रुपए लगभग 2015 में टेंडर हुआ, तब से लेकर अक्टूबर 2017 तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष अविश्वास होने से जैसे ही खाली कुर्सी भरी कुर्सी के चुनाव की डेट आई तो अध्यक्षता महोदय को नगर में विकास कार्य की याद आ गई। उन्हीं में से एक नाम फतेह चंद कॉलोनी की सिविल लाइन का था। खाली कुर्सी भरी कुर्सी के चुनाव के चलते आनंद फानंद में अध्यक्षता महोदय ने धीरे धीरे सिविल लाइन के टैंकर का गड्ढा खोदा गया तो कॉलोनी की जनता को लगा कि काम हो तो रहा है। जैसे ही अध्यक्षता महोदय चुनाव जीत चुकी थी,
चुनाव जीतने के बाद सारे विकास कार्यों पर ब्रेक लग गए। चार महीने बाद भी गड्ढा जैसे का तैसा खुला हुआ छोड़ दिया, उसमें आए दिन लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं। आए दिन गड्ढे में आवारा पशु मवेशी गिरते हैं, तो वहीं लोगों की दुकान गड्ढे के सामने होने से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार नगर अध्यक्ष एवं सीएमओ को अवगत कराने के बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। कौन सी जगह है ये? फतेहचंद कॉलोनी खारनाला। अभी जो गड्ढा ये खुदा हुआ है कितना टाइम हो गया इसको? इसको 1.5 से 2 महीने हो गए। काय के लिए खुदा गया? ये नगर पालिका द्वारा एक सीवर प्रोजेक्ट है जी, और ये सीवर खुला था तैयार होने के लिए, इस पर किसी कारण रोक लगा दी गई और अभी हालत है कि इसमें जनहानि होने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। कभी इसमें कोई मवेशी गिर जाता है, कभी कोई सुअर का बच्चा गिर जाता है, कभी कुछ गाय भैंस गिर जाती है। दुकान है, लोग आते हैं, परेशानी होती है। यहाँ से बच्चे सामने स्कूल है, बच्चे निकलते हैं, छोटे छोटे बच्चे दिन भर निकलते रहते हैं, खेलते रहते हैं यहाँ और गिर जाते हैं। और कई बार हम लोगों ने सब लोगों ने मिलकर यहाँ से बच्चों को निकाला है और जानवरों को भी निकाला है। तो नगर पालिका में शिकायत की गया इसकी? सभी लोगों को अवगत कराया, पर किस कोई भी यहाँ सीएमओ साहब पहले आए थे, देखा उन्होंने, करवाते हैं हम और ऐसे ही आश्वासन दे के चले गए। बाकी कोई किसी भी तरीके का ना ही अध्यक्ष साहब इसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं, ना ही नगरपालिका अध्यक्ष का क्या कहना है? नगरपालिका अध्यक्ष का अभी कोई संतोषपूर्ण उन्होंने जवाब नहीं दिया है, जिससे कि इसका कोई काम हो पाए या कुछ कर पाए। ना वो देखने आए हैं और ना ही उन्होंने कोई ऐसी गतिविधि की है जिससे कि इसका कुछ फर्क किया जाए। सबलगढ़ से हरिओम शर्मा की रिपोर्ट। खंडवा जिले के नई अनाज मंडी में जिले का कृषि सम्मेलन तथा रवि भावांतर योजना का शुभारंभ किया गया, जिसकी मुख्य अध्यक्षता मध्य प्रदेश शासन के शिक्षा मंत्री माननीय डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी की अध्यक्षता में किया गया। इनके साथ ही खंडवा विधायक श्री देवेंद्र वर्मा जी, पधाना विधायक श्रीमती योगिता बोरकर, कलेक्टर श्री अभिषेक सिंह, पुलिस अधीक्षक श्री नवनीत भसीन, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती हसीना बाई बाटे, जिला पंचायत सीईओ श्री भरत मूर्ति मिश्रा जी, कृषि उपज मंडी समिति अध्यक्ष श्री आनंद मोहे, कृषि स्थायी समिति जिला पंचायत अध्यक्ष श्री अशोक पटेल, भाजपा जिला अध्यक्ष हरीश कोटवाले सहित सभी गणमान्य नागरिकों के साथ भारी मात्रा में जिले के किसान उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का भोपाल से सीधे प्रसारण का सभी उपस्थित मंच आसीन व्यक्तियों के अलावा जिले के पूरे किसानों ने मंत्रमुग्ध होकर भाषण सुना। तत्पश्चात शिक्षा मंत्री जी द्वारा भावांतर योजना में लाभान्वित किसानों को प्रमाण पत्र बांटे गए। हमारा एक ही लक्ष्य कि किसान की उन्नति और किसान की तरक्की, किसान के घर में खुशहाली और खेतों में हरियाली, कल्पना के बाहर जाकर के। और आज जितनी योजनाएं मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी के साथ मिलकर के इस मध्य प्रदेश की धरती के लिए उतारी है, मैं समझता हूं कि हमारे किसान भाइयों के चेहरों पे आप खुशी की झलक महसूस कर सकते हैं कि वो कितने खुश हैं कि आज ऐसा प्रधानमंत्री और ऐसा मुख्यमंत्री पहली बार आया है जिसने देश की आजादी के बाद पहली बार किसान के दर्द को समझा है। अनेक योजना, एक एक योजना गिनाने के लिए मैं यहां पर अभी नहीं खड़ा हूं कि विस्तार से हम सबने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के मुंह से, चाहे किसान की फसल रखने की बात हो, किसान को मुआवजा देने की बात हो और किसान की उपज को सही दाम देने की बात हो, ऐसी अद्भुत और अनोखी योजना जो हिन्दुस्तान में किसी प्रदेश में नहीं है, मैं समझता हूं कि इससे बेहतर और कोई योजना किसानों के हित में नहीं हो सकती थी। खंडवा से नारायण प्रजापति की रिपोर्ट। आज के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में, और भी इसी तरह की खबरें आपको हम दिखाते रहेंगे। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के जनपद पंचायत केरारस की ग्राम पंचायत घाटीपुरा में मध्य प्रदेश शासन द्वारा स्वीकृत वाटर सेट मनरेगा योजना से जल संरचना निर्माण कार्य हेतु भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुश्री सोनिया मीणा जी एवं डॉक्टर ए अंसारी डीएफओ मुरैना एवं क्षेत्रीय विधायक मुख्य अतिथि में केलारस जनपद पंचायत के अध्यक्ष सोहन लाल धाकड़ की अध्यक्षता में जन समस्या निवारण शिविर एवं वाटर सेट मनरेगा योजना का भूमि पूजन भी किया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ सोनिया मीणा जी ने सभी से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की योजनाओं को सहयोग कर लाभ लेने की अपील की एवं स्वच्छ भारत मिशन में शौचालय निर्माण हेतु जनता को प्रेरित करने में सभी जन प्रतिनिधि जनपद अध्यक्ष सोहनलाल धाकड़ जी का सहयोग करें। इस कार्यक्रम का संचालन बीआरसी सफेदार सिंह सिकरवार ने किया। एक अर्धन हमने तालाब स्वीकृत किया है नरेगा वाटरशेड के अंतर्गत, 34 लाख का ये काम है, 5-6 हेक्टेयर का करीब ये तालाब रहेगा,
जो पूरे ग्राम पंचायत के वाटर कंजर्वेशन के लिए यूजफुल होगा। ये जो तालाब है ये वन भूमि में भी पड़ता है और हमारे साथ DFO भी आए हैं, जिले से विधायक महोदय भी हमारे साथ थे, जनपद अध्यक्ष भी साथ में हैं। तो इसका आज हमने भूमि पूजन किया और श्रमदान के माध्यम से कार्य का शुभारंभ किया। टाटीपुरा में सर ये क्या कार्यक्रम है, इतना उसके बारे में बताएंगे थोड़ा सा? आज जन समस्या निवारण शिविर थी टाटीपुरा में और तालाब का भूमि पूजन हुआ है। यहाँ पर पानी की समस्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने, DFO साहब ने, जिला CO साहब ने यहाँ बहुत बड़े तालाब बनाने की अनुमति दी है, जिसके लिए मैं जिला प्रशासन का, फॉरेस्ट विभाग का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ पर माने जिला CO साहब श्रीमती सुश्री सोनिया मीणा जी और DFO साहब, ई साहब, तहसीलदार साहब, CO साहब, सभी अधिकारी कर्मचारी पधारे हैं, मीडिया के साथी हैं। आज इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ है कि आज इस तालाब से कम 6-7 मजदूर टोले हैं, उनको पानी की किल्लत दूर होगी, वाटर लेवल बढ़ेगा। इसके लिए मैं जिला प्रशासन का इसी तरह से आभार व्यक्त कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। केलारस से राजन सिंह धाकड़ की रिपोर्ट। बुरहानपुर में बस स्टैंड के बाहर इंदौर इच्छापुर हाईवे पर बाइक सवार मां बेटे को जोरदार टक्कर मारी, जिससे मां कमलाबाई पति अरुण निवासी बहादुरपुर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार घटना के बाद मां ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घायल बेटे ने शनवारा चौराहे तक दौड़ते हुए ट्रक का पीछा कर उसे पकड़ा। घटना के बाद भारी संख्या में लोगों की भीड़ लग गई, इससे हाईवे पर लगभग आधे घंटे तक जाम लग गया। घटना आज सुबह लगभग 12 बजे की है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दोनों मां बेटे जांच रिपोर्ट लेकर अस्पताल जा रहे थे कि अचानक बस स्टैंड के पास बाइक बंद हो गई, जिससे मृतिका का बेटा समाधान बाइक को धकेलते हुए एक साइड से ले जा रहा था कि इतने में पीछे से आ रहे ट्रक ने जोरदार टक्कर मारते हुए निकल गया। घटना में कमलाबाई के ट्रक के पहिए के नीचे दबने से मांस के पिछड़े बाहर आ गए और बेटा समाधान भी गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अवस्था में ही समाधान ने ट्रक के पीछे दौड़ लगा दी और ट्रक को शनवारा चौराहे पर पकड़ा। ट्रक चालक शमीम अली और परिचालक रहमत अली को हिरासत में लेकर ट्रक को जब्त किया। बुरहानपुर से राजेश राखुंडे की रिपोर्ट। शाहपुर में मुस्लिम समाज द्वारा बशीर बाबा उर्फ निसार अली शाह का संदल बड़ी ही धूमधाम से निकाला गया। उल्लेखनीय है कि बाबा को शाहपुर एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में करिश्माई बाबा के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने अपने जीते जी कई करिश्मे लोगों को दिखाए। बाबा के दिखाए गए करिश्मों के गवाह आज भी शाहपुर और आसपास के गांवों में मौजूद हैं। शाहपुर में उनके भक्तों द्वारा यह संदल लगातार पिछले 30 वर्षों से बड़ी ही धूमधाम और सादगी से निकाला जा रहा है। यह संदल बड़ा बाजार स्थित उस्मान शाह के निवास स्थान से निकलकर AC चौराहा, भैरव बाबा चौराहा, भुईवाड़ा चौराहा आदि स्थानों से घूमकर बड़ा बाजार स्थित बाबा की दरगाह पर समाप्त हुआ। तत्पश्चात समाजजनों ने बाबा की दरगाह पर चादर चढ़ाकर देश के लिए अमन चैन की दुआ मांगी। आज निकाला गया आपके मुस्लिम समाज द्वारा, क्या खासियत है संदल की, किस उपलक्ष में लिखाया जाता है? ये बाबा है, इनका नाम निसार अली शाह बाबा है और हर साल इनका संदल इसी तरीके से निकाला जाता है। ये सन 1990 से संदल निकाला जा रहा है इनका। शाहपुर क्षेत्र में बहुत अच्छे अच्छे है, बहुत धारी अच्छी है, काफ़ी इनके करिश्मा भी है जो हम उनको बता नहीं सकते। जैसे हम तो बहुत छोटे थे, हमारे पिताजी वगैरह होगा, ये इनके दौर का मतलब बढ़िया आवाज, बढ़िया आवाज, इनके टाइम पे संदल निकाला जा रहा है, हमारे पिताजी के टाइम से। और नाम इनका निसार अली शाह बाबा। और जो बाबा के यहाँ के चमत्कार के बारे में भी सुना है, सही है? जी सही बात है, क्या सही बात है, चमत्कार के बारे में क्या क्या चमत्कार घटित हुए यहाँ पे? वैसे तो आप खुद से चमत्कार है, जैसे जिसका काम नहीं हुआ है, जो नहीं किधर बनता वो आगे यहाँ पे अगर दुआ मांग ले कि बाबा हमारा ये काम होने को ना, तो ये काम अब तब हो जाता है। कुछ हमारे भी ऐसे काम हुए, इसीलिए सब इतने धूम धड़ा के संदल निकाला जाता है। यहाँ पे हर धर्म के लोग आते हैं? जी हाँ सर, हर धर्म के लोग आते हैं। बुरहानपुर से राजेश राखुंडे की रिपोर्ट। खातेगांव हर हर नर्मदे से गुंजा नर्मदा तट। नेमावर से प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी 11 फरवरी से मां नर्मदा की 5 दिवसीय पंचकोशी नर्मदा परिक्रमा यात्रा का मां नर्मदा के नाभि स्थल पर ध्वज पूजन के साथ यात्रा का श्री गणेश किया गया। हजारों की संख्या में एक दिन पहले ही मां नर्मदा के तट पर नेमावर पहुंचे श्रद्धालुओं ने मां नर्मदा का पूजन अर्चन कर मां नर्मदा के तट पर मां के जयकारे लगाए।
11 फरवरी रविवार को सुबह से ही मां नर्मदा का नाभि स्थल तट पर पंचकोशी यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव के साथ मां नर्मदा का पूजन किया। हाथ में ध्वजा लिए मां नर्मदा के जयकारे के साथ हर हर नर्मदे जय घोष करते हुए 5 दिवसीय पंचकोशी पदयात्रा का शुभारंभ किया। हाथों में लकड़ी सिर पर पोटली लिए आस्था और विश्वास के साथ करीब 15,000 श्रद्धालु 5 दिन में 100 किलोमीटर की लंबी पदयात्रा में श्रद्धालु अपने पहले पड़ाव विजल गांव पहुंचे। रास्ते में चिचली के ग्राम वासियों ने परिक्रमा वासियों को चाय नाश्ता कराकर सभी पंचकोशी पदयात्राओं का स्वागत व सम्मान किया। आश्रम से ध्वज पूजन कर भोलेनाथ महाराज सिद्धनाथ जी के दर्शन कर नेमावर के मुख्य मार्गों से होते हुए कुंडग्राम कुन्नाल दैयत चीचली करोल और बीजल गांव में हमारा पहला पड़ाव रहता है और 12 तारीख को कल यहां से नाव द्वारा इस यात्रा को पार कर दूसरा पड़ाव यहां से गोयत सुरजना बगलातर और दूसरा पड़ाव हंडिया में रहेगा। तीसरा पड़ाव इस यात्रा का उचान घाट उच्चेश्वरवा महर्षि की तपस्या स्थली उचान घाट पे तीसरा पड़ाव रहेगा। उसमें हमारी आज 13वें महाशिवरात्रि का पर्व है, उस पर्व में रात्रि जागरण कर सारे यात्री भोलेनाथ जी का जयकारा करते हुए मां नर्मदा जी का स्मरण करते हुए पूरी रात्रि गुजारेंगे और 14 तारीख को उस पार हो शाम तक वहां से राजौर डावठा लवरास और संडलपुर में चौथा पड़ाव रहेगा और 5वां पड़ाव हमारा नेमावर से संडलपुर से नेमावर ये पंचकोसी का आखिरी पड़ाव है। वहां से पूजन कर नर्मदा जी की कढ़ाई कर भंडारा कर सारे श्रद्धालु अपने अपने घर प्रस्थान करेंगे। ये यात्रा को 31 वर्ष पूरे हो गए हैं। हमारे रविंद्र भारती सुरेश जी चौबे की मेहरबानी से और मां नर्मदा जी के आशीर्वाद से ये यात्रा निरंतर 30 वर्षों से चल रही है। खातेगांव से श्रवण पवार की रिपोर्ट। कानपुर में मशहूर कवि स्मृति शेष निशंक वाजपेयी के 83वें जन्म दिवस के मौके पर कवि सम्मेलन एवं निशंक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर कानपुर प्रेस क्लब के समस्त पदाधिकारियों ने सम्मेलन में आए हुए समस्त कवियों का स्मृति चिन्ह व शॉल से सम्मान किया। कानपुर के निराला नगर इलाके में आयोजित कवि सम्मेलन में कवियों ने हास्य रचनाएं पेश कर दर्शकों और श्रोताओं को खूब गुदगुदाया। कवियों की रचनाओं से सराबोर श्रोता देर शाम तक सम्मेलन में रचनाओं पर ठहाके लगाते रहे। सम्मेलन में पहुंचे मुख्य अतिथि डैन जेएमडी डायरेक्टर संजीव दीक्षित के न्यूज के एडिटर इन चीफ अमिताभ अग्निहोत्री अमर उजाला समूह संपादक विवेक अग्निहोत्री को कानपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष और महामंत्री ने प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। कानपुर से अशोक कालरा की रिपोर्ट। बड़नगर भाट पचलाना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर मुरलीधर मेमोरियल हॉस्पिटल मक्सी द्वारा 34 नेत्र शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 150 लोगों ने आंखों की जांच करवाई, जिसमें से 15 लोगों को मुरलीधर मेमोरियल हॉस्पिटल मक्सी ले जाया जाएगा, जहां पर उनका उपचार किया जाएगा। यह जानकारी विजय सोलंकी द्वारा दी गयी। बड़नगर से नितिन पंड्या की रिपोर्ट। 12 फरवरी 2018 को सोमवार को संयुक्त अतिथि शिक्षक संघ त्रिला ब्लॉक द्वारा नियमितकरण की मांग को लेकर माननीय मुख्यमंत्री के नाम जिला जनपद सीओ विधायक महोदया धार जिला पंचायत अध्यक्ष सांसद प्रतिनिधि के माध्यम से ज्ञापन दिया गया और उनसे अतिथि शिक्षक के साथ हो रहे सौतेले व्यवहार के बारे में अवगत कराया और उन्होंने बताया कि किस तरह मात्र 100 रुपए प्रतिदिन के वेतन मान से कार्य कर रहे हैं। आज 10 वर्ष हो चुके हैं परंतु शासन ने उनकी किसी भी मांग पर विचार तक नहीं किया है। संयुक्त अतिथि शिक्षक संघ यह चाहते हैं कि उन्हें भी नियमित किया जाए। जब तक वह नियमित नहीं होते हैं वह आंदोलन करते रहेंगे और वही शाला बहिष्कार तो वह कर चुके हैं। वही जिला प्रभारी राजेश धाकड़ ने बताया कि कल 13 फरवरी को त्रिला में सुंदरकांड और मुंडन करवा कर वो विरोध प्रदर्शन करेंगे। आवश्यकता होने पर हमारी मातृशक्ति भी मुंडन कराएंगे। धार के बदनावर से आदित्य राज धाकड़ की रिपोर्ट। आष्टा रविवार को मौसम का रुख बदला रहा, हल्की बूंदाबूंदी हुई जिसके बाद दोपहर में आसमान में बादलों की आवाजाही का दौर चलता रहा। आष्टा जावर समेत कई स्थानों पर हल्की बारिश भी हुई तो वहीं कुछ जगह ओले भी गिरे। वहीं ओले गिरने से किसानों की चिंता भी बढ़ी। किसान आने वाली फसलों को लेकर काफी मायूस है।
आस्था से शेख तजान की रिपोर्ट। मऊ जेल में ड्यूटी तैनात जेल प्रहरी उमाशंकर उइके एवं चंद्रिका सिंह यादव के मकान के ताले तोड़कर चोर एलसीडी और सोने के आभूषण नकदी एवं 3 मोटरसाइकिल चुरा ले गए। जेल आरक्षक द्वारा ड्यूटी कर अपने घर पहुंचे ही थे कि दम रह गए, जो कि सामान बिखरा पड़ा था तो वही गाड़ी भी गायब मिली। मऊ थाने पर सूचना देने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की और वही घटना स्थल से 100 मीटर की दूरी पर गाड़ी मिली और एलसीडी व सोने के आभूषण नहीं मिले तो वही पुलिस जांच में जुट गई है। हम गए थे ड्यूटी बाहर 4 बजे हम आए, अंदर आया देखा सब सामान बिखरी पड़ी है और ड्यूटी गाड़ी भी नहीं थी, यहाँ पर गाड़ी भी नहीं थी। मऊ से संजय वर्मा की रिपोर्ट। आगरा जिले के ग्राम पिपलौन कला तनोरिया मत कोठा मार्ग पर रविवार शाम 7:30 बजे के लगभग एक बार फिर हुआ हादसा। पिपलौन कला निवासी जितेंद्र पिता शंकर लाल 18 वर्ष गांव से अपने घर की ओर जा रहे थे, तभी इस अंधे मोड़ पर एक अज्ञात जीप ने रहा चलते युवक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर 108 एम्बुलेंस पहुंची, घायल को उपचार के लिए आगर ले जाया गया। बताया जा रहा है कि आगर से उज्जैन रेफर कर दिया है। इस दौरान पिपलौन चौकी पुलिस भी पहुंच गई थी। आए दिन हादसों से कई लोग घायल इसी मार्ग पर हुए हैं, लेकिन अभी तक किसी अधिकारी का ध्यान इस ओर नहीं जा रहा है। पिपलौन कला से सरपंच प्रतिनिधि रईस खा द्वारा बताया गया कि हमारे द्वारा ब्रेक के लिए जिले में अधिकारी को ब्रेकर के लिए आवेदन दिया है, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। आगरमालवा से सोनू खान की रिपोर्ट। ऐतिहासिक नगर चंदेरी में फिल्म सुई धागा की शूटिंग के लिए अभिनेत्री अनुष्का शर्मा और अभिनेता वरुण धवन चंदेरी पहुंचे। चंदेरी में इस फिल्म की शूटिंग 12 फरवरी से 10 मार्च तक होगी। गौरतलब है कि हाल ही में स्त्री फिल्म की शूटिंग भी हुई थी, इसके बाद अब सुई धागा की होगी। फिल्म की शूटिंग होने से शहरवासियों में खुशी की लहर है। वहीं उनके आगमन पर अपनी पसंदीदा फिल्म अभिनेत्री को देखने के लिए उनके फैन पहुंचे। वहीं अनुष्का शर्मा ने भी अपने फ्रेंड का अभिवादन भी किया। वहीं उन्हें देखने और फिल्म की शूटिंग देखने के लिए जिले से भी बड़ी संख्या में अनुष्का शर्मा और वरुण धवन के फैन चंदेरी पहुंचने की संभावना है। चंदेरी से सौरभ राहोरा की रिपोर्ट। बेरछा में किया पीडब्ल्यूडी एई शकील साहब और पीडब्ल्यूडी एसडीओपी मिर्जा साहब ने बेरछा से डिकवा बन रही सड़क मार्ग का निरीक्षण और पीडब्ल्यूडी अधिकारी और ठेकेदार अनूप जी दोनोतिया ने सड़क निर्माण को अच्छा बनाने का दिया ग्रामीणों को भरोसा। कई दिनों से ग्रामीण जन सड़क के निर्माण कार्य में हो रही देरी से हो रहे परेशान। एई साहब ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को किया आश्वस्त। पीडब्ल्यूडी अधिकारी ने ग्रामीण जनों को कहा कि मैं जनता का सेवक हूं, जब भी आपको सड़क निर्माण कार्य से कोई परेशानी हो तो आप मुझे बता दें, मैं हर संभव मदद करूंगा। रतलाम से नारायण चौधरी की रिपोर्ट। आज रनिया में भाजपा विधायक की प्रतिभा शुक्ला के कार्यालय का उद्घाटन हुआ, जिसमें कानपुर देहात के प्रभारी मंत्री श्री मुकुट बिहारी वर्मा जी पूजन कर कार्यालय का शुभारंभ किया, जिसकी अध्यक्षता राहुल देव अग्निहोत्री ने की और संचालन जिला उपाध्यक्ष श्याम बिहारी शुक्ला ने की। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मौजूद रहे अनिल शुक्ला, वार्षिक पूर्व सांसद प्रतिभा शुक्ला, सदर विधायक अरविंद संचान, पूर्व जिला अध्यक्ष, पूर्व मंडल अध्यक्ष रविन्द्र प्रताप सिंह, पुच्छू दिनेश पालीवाल, ब्रजेंद्र सिंह, चंद्रभान सिंह, राजू भदौरिया, अरुण शर्मा आदि लोग मौजूद रहे। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में पधारे सहकारिता मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्री मुकुट बिहारी वर्मा ने कार्यालय का फीता काटते हुए कहा कि कार्यकर्ता, कार्यालय और बॉस यह किसी भी पार्टी की मुख्य कुंजी है, जो आज से आप लोगों को प्राप्त हो रही है। ये क्षेत्रीय लोगों की हर समस्या का समाधान केंद्र, यहाँ प्रत्येक गुरुवार को ब्लॉक और तहसील के अधिकारियों के साथ सदर विधायक का प्रतिभा शुक्ला लोगों की समस्याओं को सुनेगी और उनका समाधान भी करेगी। कानपुर देहात से ज्ञान सिंह की रिपोर्ट। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।